संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई अगर कोई खाना ऐसा हो जिसमें तेल नहीं हो तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। और स्नैक्स अगर बिना तेल के हो तो कैसा रहेगा? वो तो सोने पे सुहागा। भाई ज़्यादातर जो स्नैक्स हैं वो तली हुई चीज़ें होती हैं, तो आज नो ऑयल स्नैक्स, बिना तेल के स्नैक्स। शुरुआत करते हैं ग्रीक रोल से, और इसके लिए मुझे चाहिए जरा ये प्याज। और जो लोग प्याज नहीं खाते, ये प्याज नहीं है, ये आलू है। तो प्याज के राउंडल्स काट लेते हैं और फिर इन प्याज को पकाना है हमने, तो एक नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं और ये प्याज को बस पकने के लिए डाल देते हैं। और अब एक काम करना है, हमें चाहिए दही, और ये जो दही है ये भी बिना तेल वाली। नहीं नहीं, दही में तेल थोड़ी होता है, मतलब दही में से पानी निकालना है। अब जो दूध का फैट है थोड़ा बहुत, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये जो दही है जिसमें से पानी निकला हुआ है, ये फिर जरा मुझे चाहिए फ्रेश मिंट, पुदीना, और उसके साथ साथ थोड़ा धनिया। तो ये पुदीना और धनिया ये ले लेते हैं, और इसे मुझे काटना है, चॉप करना है। तो ये पुदीना और धनिया, और इस पुदीने और धनिए को ये मैं दही के अंदर डालूंगा। इसके अंदर नमक और क्रश्ड ब्लैक पेपर, और इसके साथ साथ नींबू का रस, और ये जो मिक्सचर है इसे ले लेते हैं अच्छी तरह से। कर लिया मिक्स, वाह। अब थोड़ा सा कुछ हरा डालते हैं, खीरा पतला और लंबा इस तरह से काट लिया, और इसी तरह से थोड़ा टमाटर, टमाटर को भी पतला, बस दोनों चीज़ें जरा मिला लेते हैं। अब मुझे चाहिए ये रोटी, ये जो रोटी है आप तोर्तिया बना लें, और अब इसे थोड़ा गरम करना है हमें। और प्याज का क्या हाल है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इसे अगर आपने और ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अच्छा एक काम करते हैं, सब चीज़ें हो ही रही हैं, थोड़े से ग्रीन ऑलिव ले लेते हैं, हरे वाले ऑलिव, ये लीजिए, और इसे भी काट के इसके अंदर। अब ये जो तोर्तिया है ये हो गया अच्छा गरम, वाह। और इस तोर्तिये को रख दें इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, और इसके बाद ये जो दही का मिक्सचर हमने बनाया है पुदीने धनिए के साथ नमक और उसके साथ साथ नींबू का रस, और फिर खीरा और टमाटर ऑलिव के साथ। और अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये क्या है, हेलोपिनो पेपर्स। और अब ये जो प्याज हैं, थोड़े जले हुए गरम प्याज, कैरमलाइज्ड अनियन बिना तेल के, ये इसमें डालें, और सब चीज़ों को अब हमने रोल करना है। और इसके बाद आप ये एल्युमिनियम फॉइल इसी तरह से, ये बस गर्मा गर्म ग्रीक रोल तैयार। जैसे जैसे खाते जाएं ये एल्युमिनियम फॉइल नीचे करते जाएं। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए चटनी की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीक रोल, इसके लिए हमें चाहिए चार तोर्तिया,
दो प्याज गोल कटी हुई, एक कप दही का चक्का, दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, आठ काली मिर्च कुटी हुई, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, दो खीरे स्लाइस किए हुए, दो टमाटर स्लाइस किए हुए, आठ हरे ऑलिव स्लाइस किए हुए और एक हैलापिनो पेपर्स कटी हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में प्याज के राउंडल को सुनहरा होने तक भून लें, इसके ऊपर नमक डालें और इसे मिक्स कर लें। एक बोल में दही लेकर इसमें पुदीना, नमक, काली मिर्च, काला नमक और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। एक तवे पर तोर्तिया को दोनों तरफ से गर्म कर लें और इसके ऊपर दही का मिक्सर फैलाएं। बीच में खीरा, टमाटर, कटी हुई हैलापिनोस और प्याज को रखें और इसे एल्युमिनियम फॉइल से लपेट कर सर्व करें। आधुनिक जीवन में स्ट्रेस, टेंशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखकर कम तेल खाने में ही समझदारी है। खाने बिना तेल के बनाने से उनकी शक्ल और स्वाद बरकरार रह सकता है। कुछ खाने स्टीम करके या रोस्ट करके भी तेल के इस्तेमाल से बच सकते हैं, जैसे चिकन या सब्जियों को मैरिनेट करके थोड़ा पानी डालकर प्रेशर कुक कर ले, फिर देखें बिना तेल का बना ये खाना आपकी सेहत और स्वाद दोनों का साथ देगा। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं कुछ जीरो ऑयल डिशेस। अब बारी है एक बहुत ही हेल्दी डिश की, ये बनाएंगे टोफू से। टोफू यानी बीन कर्ड, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बीन कर्ड यानी टोफू बहुत ही पसंद है। और इसे बनाना कैसे, सबसे पहले नहीं, बीन कर्ड घर पे नहीं बनाएं, बाजार से लेके आए। और ये देखिए दो तरह का है और दो तरह का बाजार में ज़्यादातर मिलता है, एक तो ये सॉफ्ट वाला और एक ये थोड़ा हार्ड। दोनों क्यों नहीं बनाए, ये कितना आसानी से कट जाता है, ये हमने काट लिया। अच्छा ये जो दूसरा वाला है उसका क्या करें, वो ये भी ले लेते हैं, एक पैन ले लेते हैं, ग्रिल पैन ले सकते हैं आप, और गरम करके इसे रख देते हैं। ये देखिए ये टोफू दोनों तरह का। अच्छा इसके साथ साथ इस रेसिपी में हमें स्प्रिंग अनियन भी चाहिए, तो स्प्रिंग अनियन हम काट लेते हैं। ये लीजिए ये स्प्रिंग अनियन, ये जो पीसेस हैं क्या हाल है इसका, आहा भाई वाह, इसे हमने बस इसी तरह से थोड़ा कलर देना है इसे हमने। ये देखिए अब क्या करना है इसमें, थोड़ी और तैयारी से तीखा अगर बनाना हो तो उसके लिए हरी मिर्च, ये देखिए हरी मिर्च ली, और इसके बाद ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये हम डालेंगे इसके अंदर, जैसे हरे प्याज और हरी मिर्च ज़रा थोड़ी बाद में डालते हैं, उसके साथ साथ सेलरी अगर मिल जाए तो, सेलरी के साथ साथ गार्लिक और अदरक और अब नमक, नमक डाल के इसे बस टॉस भर करना है हमने। अब इसमें डालते हैं ये हरी मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च, ये देखिए आप चाहें तो इसे ड्राई सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगता है तो इसमें आप डालें थोड़ा कॉर्न स्टार्च और उसके साथ साथ पानी, ज़्यादा नहीं, आंच तेज़ करें और ये देखिए, और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा नींबू का रस, आहा हा हा, और अब इसे करें मिक्स एक बार और, ये सारा का सारा इसके साथ में मिला लिया हमने, और आप देखिए ये कितना अब ये ड्राई हो चुका है
और बस इसको परोसिए गर्मा गर्म। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। ग्रिल्ड सॉल्ट एंड पेपर टोफू, इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम टोफू यानी सोया चीज, दो हरी प्याज कटी हुई, थोड़ी सी सेलरी कटी हुई, चार लहसुन की कलियां कटी हुई, एक इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, दो हरी मिर्च कटी हुई, आठ काली मिर्च कुटी हुई, एक बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च पानी में घुला हुआ और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए बीन कर्ड यानी सोया पनीर को एक पैन में मध्यम आंच पर भून लें। इसमें कटी हुई हरी प्याज, कटी हुई सैलरी, लहसुन, अदरक, नमक, हरी मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च डालकर भून लें। अब पानी में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च डालकर मिक्स करें और इसके साथ इसमें डालें नींबू का रस और सर्व करें चटपटे टोफू को। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं रोमित। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर। जोर से हाथ मिला रहे हैं, बोला कैसे ये क्या क्या खा पी के आए हो वैसे? नहीं नहीं, आई जस्ट हैड प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक, हम लोग पीते थे मिल्क शेक, चॉकलेट वाला, ये वो, आजकल फैशन है प्रोटीन शेक का। वैसे बिल्कुल सही बात है क्योंकि आज का जो एपिसोड है ये है जीरो ऑयल स्नैक्स। ग्रेट। ये जो है इसमें हम कुछ चीजें जो तैयार करने वाली हैं, जैसे मैंने ब्रोकली ली हुई है, हाँ, ये है? मैं जानता हूँ, ये जानते हैं ना, मिले हुए हैं मिस ब्रोकली, वाह ब्यूटीफुल शी इज। ओके, तो अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है और गाजर जो है, गाजर को काट के इसको गर्म पानी में 5 मिनट तक उबालना है। ओके, ऐसे काटी तो ये गाजर, ठीक है। और एक जरा खुशबूदार सी चीज है, ये हैं बेजल लीव्स और थोड़ी और तैयारी है इसमें मस्टर्ड पेस्ट। प्रॉन्स खाते हैं? ऑफ कोर्स। वेरी गुड। तो प्रॉन्स जो है टेल ऑन बाजार में वैसे ऐसे मिल जाते हैं, नहीं तो जब पील करते हैं तो ये पीछे का रख दिया और चीरा लगा के यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो ऐसे सब प्रॉन्स साफ किए हुए। ये जो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये इसके साथ साथ टोमेटो केचप, ओके, और ये मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी ज्यादा, और ये कर लिया मिक्स। इसके साथ साथ ये जो प्रॉन्स हैं ये इसमें मैं कुछ थोड़ी सी हेल्प करूंगा, सारी नहीं करूंगा। ओके, अब उसके अंदर ब्रोकली एंड कैरेट इसके अंदर। ओह ग्रेट, द होल थिंग? यस सब, ये कोई तेल नहीं कुछ नहीं, और चॉप्ड गार्लिक इसके अंदर, ये अब इसमें पड़ा रहने देते हैं जी। वापस चलते हैं यहाँ पर जी, और अब इसके अंदर सॉल्ट एंड क्रश्ड ब्लैक पेपर, और अब वो जो नींबू है जी वो डेढ़ का डेढ़ इसके अंदर डाल देना है। ओके, आधा तो कटा हुआ है जी, अब इसमें कोई करना तो कुछ भी नहीं है वैसे, सिर्फ इसको आप इसके अंदर डाल दें जी। आप इतना काम करा रहे हो, कल से मम्मा बोली किचन में आ जाओ, शूटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। ये इसको मिक्स भी करना है जी। अच्छा, ये अपने आप में इतना इट इज़ सो नाइस एंड मॉइस्ट कि ये नीचे लगने के चांसेस इसमें नहीं है। इसमें इतनी सॉसेस वगैरह हमने डाली हैं और जो वेजिटेबल्स हैं, प्रॉन्स हैं, उसमें अपना नेचुरल मॉइस्चर काफ़ी होता है। अच्छा रोमित, ये बताओ मुझे कि टेलीविज़न में कैसे पहुंच गए? जी, ऐसा हुआ कि लाइक स्कूल के टाइम में मैं थिएटर प्लेस कर रहा था, म्यूजिकल प्लेस भी कर रहा था। अच्छा, तो मैं कैलकटा से हूँ। तो डैड ने कहा कि वर्क इन कैलकटा फर्स्ट एंड देन व्हेनेवर You prove yourself in Calcutta and then you go ahead in Bombay. Okay. तो मैंने कैलकटा में एक बंगाली सीरियल किया। Okay. And then my dad told me, okay, अब तुम जा सकते हो बॉम्बे, और that's how I came here. अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये बेटियाँ? जी। उसका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा है, बिकॉज चार बहनें हैं और एक भाई है। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब जो कितनी खातिरदारी होती है मेरी। चारों बहनें खाना पकाती हैं। हाँ। और युवराज को खिलाती हैं। युवराज को खिलाती हैं और ये आज युवराज खाना बना रहे हैं। हाँ।
अब इसमें हम द बेसिल लीव्स यस इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए हाथ से तोड़ के ये तो हो गया ये तो डन बंद करें इसको और ये देखिए दिखने में कितना अच्छा ये देखिए प्रॉन्स लवली डिलिशियस थैंक यू रोमित बहुत मज़ा आया और इसी तरह से आप बढ़िया बढ़िया काम करते रहें एक्टिंग करें खाना बनाएं अपनी मम्मी को हेल्प करें किचन के अंदर जरूर सर कंप्लीट प्लेजर बीइंग थैंक यू वेरी मच एंड यही कहूँगा कि हेल्दी खाना जीरो ऑयल आपकी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो एकदम फिट रखना चाहते हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं क्या करता था खैर कोई बात नहीं नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप रोस्टेड गार्लिक प्रॉन्स इसके लिए मैं चाहिए 200 ग्राम प्रॉन्स साफ किए हुए 15 लहसुन की कलियां कटी हुई 8 टुकड़े ब्रोकली के उबले हुए आधी गाजर आधे इंच के टुकड़ों में कटी हुई और उबली हुई 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप 2 छोटे चम्मच सरसों की पेस्ट नमक स्वादानुसार 8 काली मिर्च कुटी हुई 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 6 बेजल की पत्तियां इसे बनाने के लिए एक बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट टोमेटो केचप और सरसों का पेस्ट यानी मस्टर्ड पेस्ट डालकर मिलाएं इसमें प्रॉन्स ब्रोकली गाजर नमक कुटी हुई काली मिर्च और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें अब एक पैन में लहसुन भूने और इसमें डालें सभी मैरिनेट की हुई सब्जियां और प्रॉन्स मध्यम आंच पर कुछ देर तक पकाएं अब बेजल की पत्तियां डालकर इसे पूरा पका लें और गर्मा गर्म परोसें भाई अब बारी है आज की गर्मा गर्म टिप की जल्दी से घर में तोर्तिया कैसे बनाएं बड़ा सिंपल है भाई तोर्तिया के लिए 1 कप मकई के आटे में 1/2 कप मैदा नमक और 1.5 कप पानी डालकर इसका नरम आटा गूंद लें इसे बेलकर तवे पर सेकें और दीजिए तोर्तिया तैयार भाई नो ऑयल स्नैक्स आज बस इतना ही लेकिन आप जितने खाने हैं उसमें तेल को कम तो कर ही सकते हैं ना हाँ अब तली हुई चीज़ों को क्या करेंगे कम बनाना शुरू करें कम उसको खाएं क्यों ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें जो हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर दी हैं एक्सरसाइज कम कर दी है घूमना फिरना कम कर दिया है बाहर जाना जाते भी हैं तो खाने के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है कि और किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाते हैं अगर आप उसको बढ़ा सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी को तो कुछ भी खा सकते हैं जितना भी खा सकते हैं लेकिन आजकल प्रूडेंस यही है यही माना जाता है कि अपनी जो खाने को थोड़ा सा और हेल्दी बनाया जाए कैलोरी थोड़ी कम की जाए तेल कम किया जाए चीनी कम की जाए जी हाँ सच्चाई यही है आज बस इतना ही और ढेर सारी सच्चाइयों के साथ मैं आऊँगा आपके पास आपको क्या चाहिए हमसे पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी मांगें उसको पूरी करूँ नमस्कार